आज से हम लोग बैच स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं और इस बैच की शुरुआत हम लोग अर्थमेटिक के जिस टॉपिक से कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समय तथा कार्य, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कार्य तथा समय। अब इस टॉपिक की बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो एकदम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने स्कूल के समय में बहुत सॉल्व किए, और जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता था तो हमें कुछ ना कुछ कुल कार्य मानना पड़ता था, और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुल कार्य मानते थे कि लेट द वर्क इज वन यूनिट। तो हम पूरे काम को कितना मान लेते थे, वन यूनिट। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि माना कुल कार्य एक इकाई। तो यहां से हमें मिलता है, सवाल बोलता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, तो ए कितने दिन काम करता है, 15 दिन, और 15 दिन में कितना काम करता है, तो हम लोगों ने मान लिया कि कुल काम कितना है, एक यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा ए, एक यूनिट। और अगर ए 15 दिन में एक यूनिट काम करता है और हम बोले कि बताइए ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो निकलेगा 1/15 यूनिट। मतलब कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/15 यूनिट। मतलब कि ये ए की एफिशिएंसी आ जाती थी कि ए एक दिन में 1/15 काम करेगा। इसी प्रकार से बी का दिया हुआ है कि बी जो है वो काम को पूरा 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में कितना काम करता है, तो जितना काम हम लोगों ने माना है एक यूनिट, उतना काम वो 10 दिन में कर देता है। तो यहां से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो अगर 10 दिन में एक यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 यूनिट काम वो करेगा। आगे सवाल बोल रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब यह है कि ए भी करेगा और साथ में कौन करेगा, बी। ए 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/15, तो ये उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता आ गई, तो ए करेगा एक दिन में 1/15 काम, तो यहां पर ए का लिख दिया 1/15। इसी प्रकार से बी एक दिन में कर रहा है 1/10 काम, तो ये एक दिन में 1/15 और 1/10 काम करेंगे। अब दोनों से मिलाकर काम करवाना है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 का और 10 का। 15 और 10 का एलसीएम आता है 30, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 में कितना गुणा करेंगे, 30 आए तो 2 का करना पड़ता है, उस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2। इसी प्रकार से 10 या 30 होता है तो इस 3 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, तो 3 × 1 कितना जाएगा, 3। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5/30, और 5/30 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। अब 1/6 काम करते हैं ये दोनों मिलकर, अगर इतना काम करते हैं तो इसका मतलब कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, 6 दिनों में होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाते थे स्कूल के समय में जब हमें सवाल दिया जाता था। अब स्कूल के समय दो चीजें ध्यान देने वाली थी, पहली बात ये कि जब ये सवाल हमारे सामने आता था तो वहां पर जो हमें मार्क्स मिलते थे वो 5 नंबर मिलते थे, 5 अंकों का ये सवाल हमारे सामने आता था। तो 5 अंकों के सवाल, आपको जानकारी होगी कि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हर एक स्टेप में कुछ नंबर होते थे स्कूल के समय में, हर एक स्टेप में आपको नंबर मिलते थे, केवल आंसर महत्ता नहीं रखता था, आंसर तो महत्ता रखता था लेकिन साथ ही साथ हर एक स्टेप भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि हर एक स्टेप में नंबर मिलते थे, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पर पूरे पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते तो टाइम हमारे पास 3 घंटे का होता था, तो 3 घंटे में हमें बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में भी सॉल्व कर रहे थे तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, पहली बात तो ये कि इसके स्टेप्स में हमें एक भी नंबर नहीं मिलता, हमें सिर्फ नंबर मिलता है किस बात पर, कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। अगर हमने पूरा यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेशन सही किया और लास्ट में जो आंसर लाया वो गलत ला लिया तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन स्कूल के समय में अगर हम पूरा क्वेश्चन सही करते हैं और लास्ट में आंसर गलत ला देते थे तो भी हमें 0 नंबर नहीं मिलते थे, कुछ ना कुछ नंबर हमें यहाँ पर मिल ही जाते थे क्योंकि स्टेप्स में नंबर होते थे। तो पहली बात ये कि स्कूल के समय में आपको यहाँ पर स्टेप्स में नंबर मिलते थे लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में आपको स्टेप्स में नंबर नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें महत्व नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर समय सीमा आपके पास इतनी ज्यादा थी कि आप 5 मिनट भी इस क्वेश्चन के लिए ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये कि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लेंगे ना तो आपका पेपर छूट जाएगा,
बोला दो बातें, एक तो पहली बात ये कि हमें इस सवाल को इस तरीके से करना चाहिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन छोटा हो जाए, और दूसरी बात कि सवाल करते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कम से कम समय लगे। तो इसी क्वेश्चन को करने का जो बढ़िया तरीका हमारे पास है वो ये तरीका नहीं है, इससे बेटर तरीका हम लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सवाल क्या था कि कोई व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो उसने बोला ए किसी काम को करता है 15 दिनों में, और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो पिछले क्वेश्चन में जो पिछला तरीका हमारे पास था उस तरीके हम लोगों ने जो टोटल वर्क माने थे, माना कि कुल कार्य बराबर हमने जो माना था वो कितना माना था, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट टोटल वर्क मानने में समस्या ये होती है हमारे पास कि जब हमने देखा कि अगर ये 15 दिन में एक काम करता तो एक दिन में काम करेगा 1/15, अगर 10 दिन में एक काम करता तो एक दिन में करेगा 1/10। तो जब हमारे पास 1/15 और 1/10 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जब हम 1/15 और 1/10 को जोड़ते हैं तो ये दोनों कहलाती है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन या भिन्न को जोड़ना या घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर एज टू इंटीजर्स या पूर्णांक। मतलब मेरा बोलने का यह है कि ये 1/15 लिखा है, अगर 1/15 ना होकर एक की जगह में ऐसा कोई नंबर होता हमारे पास जो 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो यहां पर फ्रैक्शन नहीं बनती। अगर यहां पर हम लोग एक लेंगे और 1/15 आएगा तो हमेशा फ्रैक्शन बनेगी, मतलब कि जब भी हम टोटल वर्क 1 मानेंगे तो हमेशा फ्रैक्शन हमारे सामने आएगी, और जब भी फ्रैक्शन हमारे सामने आएगी कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम होगी ही। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल वर्क हम कोई ऐसा नंबर माने जो नंबर इस 15 को और 10 को, मतलब 15 से भी और 10 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोलने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसा कोई नंबर ले लें जो 15 और 10 दोनों से विभाजित होता है तो वो नंबर यहां पर पूर्णतः कट जाएगा, किससे, 15 से और 10 से। सीधा सीधा बोलने का मतलब यह है कि यहां पर हम लोग ने टोटल वर्क जो 1 माना था वो 1 ना मानकर यहां पर हम इस तरीके में टोटल वर्क मानते इन दोनों का एलसीएम, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। जब 15 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें से एक तरीका मेरे ख्याल से आपको आता है कि 10 और 15 को इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, 5 से भाग देंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार 3 बजिया, फिर 3 से काटेंगे दोनों चीजें कैंसिल, तो यहां से एलसीएम आएगा 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30। तो एक तरीका तो एलसीएम लेने का हमारे पास है, लेकिन इस तरीके से अगर हम यहां पर एलसीएम लेने जाएंगे तो शायद हमें बहुत समय लग जाएगा। तो एलसीएम लिया कैसे जाता है, जितने भी तरीके थे वो सारे तो हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी टाइम एंड वर्क में कैसे समय बचाकर एलसीएम लिया जाए इस बात को ध्यान से समझना। यहां पर हमेशा 2 नंबर आएंगे और एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से ही पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 नंबर हमारे पास है 15 और 10, तो हमें फोकस करना है बड़े वाले नंबर में। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 15। अब अगर बड़ा नंबर 15 है तो 15 से पूर्णतः विभाजित होता ही है या 10 से होता है, तो 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगर नहीं होता तो 15 को हम कर देंगे डबल, 15 को डबल करने में आता है 30, तो 30 15 से विभाजित होता है, साथ ही साथ 10 से भी विभाजित होता है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क भी कितना है, 30। अब यहां से निकालेंगे हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। ए 15 दिनों में 30 काम करता है, अगर 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 × 30, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। इसी प्रकार से अगर बी 10 दिनों में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 × 30। तो इस प्रकार से ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब हमसे बोला गया है कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी, तो दोनों मिलकर उस काम को, तो उस काम का मतलब टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30, और काम करवाना किससे है, ए प्लस बी से, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, तो 30 काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से। तो यहां पर हमारा जो निकलेगा उसको इस तरीके से निकालेंगे कि 5 × 5 और 5 से काटेंगे तो 5 × 30। इसका मतलब यह है कि ए और बी मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। तो ये जो हमारे पास तरीका, ये हमारा तरीका जो है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का तरीका है। और जो पिछला मैंने तरीका बताया था आपको वो स्कूल के समय में ठीक था, लेकिन वर्तमान में एग्जाम में हमारे सर पर घड़ी बिठा दी गई है, समय बिठा दिया गया, तो समय को मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए हमें इस तरीके को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। चलिए तो यहां पर दो लोग हैं, पहला है ए दूसरा है बी। ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में, और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका क्या टोटल वर्क, और हम लोग अभी सीखा कि टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके, मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 30, तो इस 30 को चेक करेंगे क्या 30 में 20 का भाग जाता है, तो 30 में 20 का भाग नहीं जाता, तो इस 30 को डबल कर दो, कितना आया 60, तो 60 में 30 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है, तो हमारा टोटल वर्क या हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। तो यहां से निकालेंगे हम ए और बी की एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होगा कि ए 30 दिन काम करता है और टोटल काम कितना करता है 60, तो 30 दिनों में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 30 दुनी 60। इसी प्रकार से 20 दिन काम करता है बी और काम कितना करता है 60, तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 दिया 60 काम। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी उस काम को, मतलब टोटल काम को, टोटल काम कितना है हमारे पास 60, और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो 60 काम करवाएंगे 5 की एफिशिएंसी से। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दुनी 10। इसका मतलब ये है कि इस काम को जब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे, 12 दिनों का समय लेंगे। ठीक, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है ना, अर्थमेटिक में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी लैंग्वेज। किसी भी क्वेश्चन की अगर भाषा को हम समझ लें तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो भाषा को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन की एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये भी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन भाषा की समझ को और हमारी सुधार करेगा। इस सवाल को समझते हैं हम लोग, क्या लिखा है, मोदी जी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं जबकि राहुल जी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मोदी जी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज वाइल राहुल जी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। यहां पर दो व्यक्ति हैं हमारे पास, इनके बारे में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 20 दिन में किसी काम को कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 30 दिन में उसी काम को खराब कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इनका टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल पर दोनों का एलसीएम होता है, अभी हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया था, कितना आया था हमारे पास 60। अब यहां पर दोनों की क्या निकालेंगे हम, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के बारे में बात समझिए, इसने बोला है कि 20 दिनों में काम कर सकता है, 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है 3। इसने बोला है कि जबकि ये दूसरा व्यक्ति जो है ये 30 दिनों में 60 काम खराब कर सकता है, 30 दिन में खराब कर सकता है, 30 दिन में कितना काम खराब कर रहा है 60, तो एक दिन में कितना काम खराब करेगा 2। इसका मतलब ये निकल रहा है हमारे पास कि जो पहला व्यक्ति है वो 3 काम को कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 3 काम को खराब कर सकता है। इसका मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में 3 दीवार को बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति उनमें से 2 दीवारों को क्या कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। इस तरीके से उसने 2 दीवारों को खराब कर दिया। तो अगर आप समझोगे इस बात को, तो यहां पर अगर एक व्यक्ति 3 दीवारों को बना रहा है और दूसरा व्यक्ति उनमें से 2 दीवारों को खराब कर दे रहा, तो बच कितनी दीवार रही, एक ही दीवार। बोलने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति अगर साथ में काम करेंगे तो ये तो 3 काम करेगा लेकिन ये 2 काम खराब कर देगा, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो केवल कितना काम होगा, 1 काम होगा। तो उसने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन तो बताइए दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों से जब काम करवाया जाएगा तो काम कितना करवाया जाएगा 60,
और दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? एक। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 60 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, क्लियर है क्या बात? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहां तक हमने अभी जो सवाल देखे इसमें केवल दो लोगों की बात हुई है। अब हमारे पास अगला जो सवाल है इसमें तीन लोग हैं, ए बी व सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? चलिए, ए काम को कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इनका टोटल वर्क, और आप जानते हो कि टोटल वर्क क्या होता है, इन सभी का एलसीएम। और एलसीएम निकालने का इजीएस्ट तरीका हम लोगों ने क्या सीखा कि तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर उस नंबर को देखो, क्या 20 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो 20 को डबल कर दो, कितना आएगा? 40। क्या 40 में 15 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो 20 को ट्रिपल कर दो, आएगा 60। 60 में 20 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 60। अब यहां से हम निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की कार्यक्षमता। अगर ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 पंचे 60। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कर रहा है 15 चौके 60। इसी प्रकार से सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कर रहा है कितना काम? 20 दिया 60। हमसे बोला गया अगर ऐसी कंडीशन, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से काम कितना करवाना है? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। तो 60 वर्क करवाना है इनसे, और ए प्लस बी प्लस सी से करवाना है, तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12। तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आती है? 12 आती है। तो तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 12 एफिशिएंसी से करेंगे, और 12 एफिशिएंसी से जब काम करेंगे तो काम करने में समय लगेगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब यह है कि जब ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में, तथा सी इसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर इस काम को करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा करेंगे? चलिए समझते हैं। बोला जा रहा है कि ए करता है 2 घंटे में काम, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। ये समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति हमारे पास बी जो इस काम का 3 गुना कितने घंटे में करता है? 8 घंटे में करता है, और सी इस काम को कितने घंटे में करता है? 8 घंटे में करता है। तो ए कर रहा है 2 घंटे में, सी कर रहा है 8 घंटे में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर बोला कि बी इस काम के 3 गुने को, अगर ए की बात करें तो ए तो 1 गुना काम कर रहा है, सी की बात करें तो सी भी 1 गुना काम कर रहा है, लेकिन बी कितना कर रहा है इस काम का? 3 गुना। तो बी का भी 1 गुना काम निकालेंगे। अगर बी 3 गुना काम को 8 घंटे में कर रहा है तो बी 1 गुने काम को कितने घंटे में करेगा? 1 गुने काम को करेगा 8/3 घंटे में। तो यहां से हमको बात समझ में आई कि तीन लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी।
ए इस काम को करता है 2 घंटे में, बी का हमने निकाला 8/3 घंटे में, और सी का दिया हुआ कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन में जो हमारे पास टाइम दिया होता है, डेज दिए हुए थे, वो डेज या टाइम एक इंटीजर में थे, पूर्णांक में थे। पहली बार हमारे सामने क्या आई है, फ्रैक्शन आई है, तो हम समझते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे समझे हम लोग कि एक नंबर है हमारे पास कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 10/3 दिन में करता है, ठीक। और यहां पर हम लोग जिस क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे थे, इजी वाले क्वेश्चन से, उनकी बात करते हैं कि एक काम को 5 दिन में, बी एक काम को 10 दिन में करता है। तो हमने जब यहां से टोटल वर्क निकाला तो हमारा कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, और जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 × 2 = 10 और 10 × 1 = 10। अब आपको एक बात समझना चाहिए, और बात यह है कि यहां पर इनका हमने यहां पर टोटल वर्क 10 ही क्यों माना। 10 मानने का जो रीजन था वो रीजन ये था कि जब ये 10 हम टोटल वर्क मानते तो इसके बटे में जब हम ये 5 करते हैं तो ये 5 से 10 पूरी तरह कट के एक इंटीजर देता है। उसी प्रकार से 10 के बटे में जब ये 10 रखते हैं तो ये आपस में कैंसिल होकर एक इंटीजर देता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका भी एलसीएम कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसके बटे में ये नंबर और ये नंबर रखा जाए, तो रखने के बाद हमारा जो यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी वो एक पूर्णांक में आनी चाहिए। मतलब 10 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 10 आता है। अब आप समझना बात को कि 10 के बटे में अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 × 2 = 10, और इस 10 के बटे में अगर मैं 10/3 करता हूँ, इसको एक तरीके से ऐसा लिखा जाता है, या फिर इसको हम ऐसा ले सकते हैं 10 के बटे में 10/3 है तो 10 नीचे रहेगा और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसका मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास दिन या समय रहे तो उस कंडीशन में हम लोगों को हमेशा ऊपर वाले नंबर के साथ एलसीएम लेना है। मतलब कि जब मैं यहाँ पर 5 और 10/3 का एलसीएम ले रहा हूं तो यहां पर मैंने 3 को शामिल कहीं पर भी नहीं किया एलसीएम लेने में। हाँ, एफिशिएंसी निकालने में उसका योगदान होगा, लेकिन जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो मैं 5 और 10 का एलसीएम ले रहा हूं। मतलब बोलने का यह है कि यहां पर जब हम 2, 8/3 और 8 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो 2, 8 और 8 का निकालेंगे तो यहां से टोटल वर्क हमारे पास जो निकलेगा वो 2, 8 और 8 के हिसाब से निकलेगा। तो 2 और 8 का एलसीएम होता है कितना, 8। अब यहां से जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8/2, 2 × 8, यहां पर 8 × 1 = 8, ये आ गया। अब इस 8 के बटे में 8 और उसके बटे में 3, तो आपको पता है बटे के बटे में चीजें होती तो ऊपर चल जाती, तो 8 से 8 कैंसिल, नीचे का 3 कहां चल जाएगा, ऊपर। तो यहां से बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब बोला गया है कि अगर साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा करते हैं, तो यहां से करवाएंगे हम ए बी और सी तीनों से मिलकर काम, कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, 3, 7 और 1 = 8। मतलब कि काम करना भी 8 है और करते भी कितना है, 8। तो 8/8 है, 8 को 8 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर सिंपली कितना जाएगा, 1 दिन। मतलब कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा इनको, 1 दिन। चलो ध्यान दो, समझो इसको। सॉरी, यहां पर दिन नहीं है, यहां पर क्या आएगा आपका, आर आएगा। चलिए ध्यान दो एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है हमारे पास, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। सवाल का टाइप चेंज हो गया है, लेकिन सवाल को अगर हम ठीक से देखें तो सवाल में कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं है। हाँ, भाषा पूरी तरह से बदल गई, लेकिन सवाल में बहुत परिवर्तन हुआ नहीं है। सबसे पहले क्या बोलता है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और बी करता है कितने दिनों में, 5 दिन में। तो यहां से देखेंगे तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना आएगा हमारा, 20, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 20, 20 एक कम 20 और 5 चौ कितना हो गया 20। इसका मतलब यह है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है। आप देखो ए और बी को साथ मिलकर कितना समय लगता है, तो पहले समय निकाल लेते हैं। तो ए और बी काम करेंगे कितना, 20। किस एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से। तो इसका मतलब है कि ए और बी साथ काम करने में कितने दिन लेंगे, 4 दिन। अब बोला है कि जितना समय ए और बी को लगता है उतना ही समय किसको लगता है, सी को भी लगता है। तो सी को भी कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो यहां से हम लोग सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि जो सी है हमारे पास, और सी को काम कितना करना है, और सी को काम करना है 20, और कितने दिन में काम करता है, तो 4 दिन में काम करता है। तो 4 दिन में 20 काम करेगा, इसका मतलब कि एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट पर डे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन में सी काम कर रहा है कितना, 5 यूनिट। अब बोला क्या गया कि तब वे तीनों मिलकर कितने समय इस काम को पूरा करेंगे अगर साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि आपको काम करवाना किससे, ए प्लस बी और प्लस सी से। कितना काम करवाना है आपको, 20, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, और सी भी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 और 5 कितना काम हो गया, 10 काम। इसका मतलब कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 2 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है। इस सवाल को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, पहले इस तरीके को समझो, फिर मैं बाकी और भी तरीके आपको बता रहा हूं। चलिए इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तरीका हमारे पास यही रहेगा समझने की, और भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस सवाल में हमसे बोला गया था कि ए और बी जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में सी भी उस काम को करता है। तो हमने बोला कि अगर ए और बी 4 दिन में कर रहा है तो सी भी कितने दिन में कर रहा होगा, 4 दिन में। इसी बात को इस तरीके से ना समझते हुए अगर हम एक दूसरे तरीके से समझें कि सवाल ने बोला है कि जितना समय ए और बी को लगता है उतना ही समय सी को लगता है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ए और बी की एफिशिएंसी जो है वही एफिशिएंसी सी की भी होगी। अगर ए और बी को काम करने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय सी को लग रहा है, इसका मतलब ये कि जितनी एफिशिएंसी ए और बी की है उतनी ही एफिशिएंसी किसकी है, सी की है। अगर ये बात है तो इसका मतलब कि जब ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे तो काम कितने यूनिट करेंगे, तो यहां पर 10 यूनिट काम करेंगे। हमें ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाना था, और कितना काम करवाना था तीनों से मिलकर, तो तीनों से मिलकर काम करवाना था हमको कितना, 20 काम। और जब तीनों मिलकर काम करते तो काम कितना कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। अगर 20 बटे 10 होगा तो इसका मतलब यह है कि हम इसको कैंसिल करेंगे तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो तरीके बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप समझो तो तरीके बदल नहीं रहे, सिर्फ हम लोग सवाल को समझने का तरीका हमारे हिसाब से देख रहे हैं कि इस सवाल को और किस किस तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीका हमारे पास ये निकल कर आता है, इसको आप समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10
and 12 days respectively, A and B start work together. And after 3 days, A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. मतलब क्या बोल रहा है सवाल कि A किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो बोला उसने कि 10 दिन में करता है. और B उसी काम को कितने दिनों में करता है? तो बोला है कितने दिनों में करता है? 12 दिन में. तो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क, और टोटल वर्क होता है इन दोनों का LCM. जब 10 और 12 का LCM लेंगे हम तो हमारे पास LCM आएगा कितना? 60. और करेंगे सॉल्व तो 10 के 60 और 12 पंचे 60. तो यहां से A की एफिशिएंसी 6 आ गई और B की एफिशिएंसी 5 आ गई. बोला है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं. एक साथ शुरू करते हैं का मतलब है कि A और B दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं. और बोला है कि 3 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है. 3 दिन बाद A काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि A ने 3 दिन काम किया और किसके साथ काम किया? B. इसका मतलब कि A और B दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया. फिर कौन चला गया? A चला गया. अगर A चला गया तो बचा कौन? B. तो जो शेष काम बचा हुआ है वो काम कौन करेगा? B करेगा. इसको हम इस तरीके समझेंगे कि A और B ने काम किया 3 दिन. A एक दिन में 6 काम करता है, B एक दिन में 5 करता है. दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं. अगर 6 और 5 11 काम A और B मिलकर एक दिन में कर रहे हैं. एक दिन में 11 काम, तो 3 दिन में कितना काम? 11 तिया 33 काम. कुल काम 60 था जिसमें से 33 काम A और B ने कर दिए, तो बचा हमारे पास 27 काम. A तो चला गया, बचा कौन? B. अगर B बचा है तो ये पूरा का पूरा 27 काम कौन करेगा? B करेगा. और B की एफिशिएंसी कितनी है? 5. जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, तो 2 ऊपर लिखेंगे और जिस नंबर से भाग दे रहे उसको नीचे लिखेंगे. तो B इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 5 सही 2/5 दिन में. हमसे क्या पूछा है? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम कितने दिनों में पूरा होगा का मतलब है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा. तो A और B ने कितने दिन का समय लिया? 3 दिन का समय लिया. और B ने अकेले कितने दिन में काम पूरा किया? 5 सही 2/5 दिन में किया. इसका मतलब कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ? तो 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 8 सही 2/5 दिनों में ये काम पूरा हो गया. तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा. और इसी सवाल को समझने का और भी तरीके हमारे पास हैं. तो पहले इस सवाल को इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. फिर एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं जो तरीका इससे थोड़ा सा आसान है हमारे लिए. लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना. सवाल हमसे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि ए और बी दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है. 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है. तो हमने इस तरीके में देखा कि ए और बी अगर साथ में शुरू करते हैं तो ए और बी साथ में शुरू करते हैं, तो 3 दिन बाद ए छोड़कर जाता है. तो ए ने 3 दिन काम किया, तो बी ने भी 3 दिन काम किया. ए चला गया तो शेष काम कौन करेगा? बी. अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि बी तो पूरे ही दिन काम कर रहा है. शुरू के 3 दिन भी बी ने काम किया, बाकी के शेष दिन भी किसने काम किया? बी ने काम किया. ए है जो शुरू काम करता है लेकिन खत्म नहीं करता, पहले ही छोड़कर चला जाता है. तो इसका मतलब ये है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है? 3 दिन. तो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 3 दिन. ए ने काम किया कितने दिन हमारे पास? 3 दिन काम किया. ठीक. अब A एक दिन में कितना काम करता है? 6. तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा. अगर 60 में से 18 काम A ने कर दिया तो बचा पूरा का पूरा काम कौन करेगा? B काम करेगा. तो 60 में से 18 काम होगा तो कितना काम बचा? 42. अब बाकी पूरा का पूरा काम किसने किया होगा? B ने किया होगा. B तो पूरे दिन काम करता है, तो मतलब ये जो 42 काम होगा ये B करेगा. और B करता है एक दिन में 5 काम, तो कैंसिल कर, तो 15 = 40. 40 से 2 ज्यादा है, भाग दे देते हैं 5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 सही 2/5. तो ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 8 से 2/5 दिनों में.
तो ये तरीका मेरे ख्याल से और ज्यादा आसान है। इस तरीके हम लोगों ने देखा क्या कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते, ए चला जाता है, फिर बी से हमने बाकी काम करवा दिया और जो आंसर आया हमारे पास उसको इस 3 में जोड़ा, आंसर कितना है 8 × 2/5। इस तरीके हम लोगों ने देखा कि ए और बी अगर साथ में काम शुरू करते हैं तो 3 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, ए चला गया तो पूरा का पूरा काम करेगा बी और पूरा का पूरा काम बी करेगा अगर, तो ए से हमने केवल 3 दिन काम करवाया, 6 × 18 काम करवा दिया, बचा 42 काम। तो ये ने तो केवल 3 दिन काम किया, बाकी पूरा का पूरा काम किसने किया, बी ने किया। बी एक दिन में 5 काम करता तो 42 काम करेगा 8 × 2/5 दिन में। तो यही हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको ध्यान से देखिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास सेम है, इससे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला गया, ए कितने दिन में काम पूरा करता है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो यहां से पहले निकालेंगे इनका टोटल वर्क जो कि कितना आएगा हमारे पास 30। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 10 × 30 15 × 30। अब बोला गया हमसे कि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद कौन काम छोड़कर चल जाता है, ए। ए अगर काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन, बी। तो बी शुरू में भी काम कर रहा था, ए के छोड़कर जाने के बाद भी काम कर रहा था, कौन, बी। मतलब कि बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, तो केवल ए का देख लो, ए कितने दिन काम करता है, बोला गया ए 2 दिन काम करता है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम। तो 30 में से 6 काम हो गए तो बचा कितना, 24 काम। अब ये 24 का 24 काम किसने किया होगा, बी ने। तो बी से 24 काम करवा दो, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। इसका मतलब बी ने पूरे के पूरे कितने दिन काम किया, 12 दिन। और 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी ने तो पूरे दिन काम किया, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, 12 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है, 12 दिन। एक बार इसको समझने की कोशिश करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यदि ए व बी क्रमशः एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हो। बोल रहा है कि ए और बी काम को कितने दिन में पूरा करते हो, 10 दिन और 15 दिन में। तो डेटा तो हमारे पास वही है सेम, तो यहां से टोटल पर कितना निकलेगा हमारे पास 30, और एफिशिएंसी आएगी कितनी हमारे पास 10 × 30 15 × 30। बोला है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं का मतलब क्या है कि ए और बी मिलकर शुरू करते हैं, और फिर क्या बोला है हमसे, फिर बोला है कि कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। अब ए काम छोड़ देगा अगर तो बचेगा कौन, बी। तो ए ने काम छोड़ दिया, बचा बी, और पूरा काम 9 दिनों में होता है। पूरा काम 9 दिनों में मतलब कि यहां से काम शुरू हुआ और यहां पर काम खत्म हुआ तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे हमें, 9। इसका मतलब ये कि शुरू काम जब हुआ और काम जब खत्म हुआ तो कुल कितने दिन लगे यहां पर, 9 दिन लगे। अब आप यहां से जानते हो कि ए और बी ने काम शुरू किया, ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी। यहां पर हमें काम की बात ये मिलती कि बी शुरू में भी काम कर रहा था और ए के जाने के बाद भी काम कर रहा था, मतलब कि बी तो शुरू से लेकर आखिर तक काम करता रहा। तो बी ने मतलब कि पूरे के पूरे 9 दिन काम किया है, और हम जानते हैं कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 × 2 = 18। इसका मतलब 30 में से 18 काम कर दिया किसने, बी ने, तो बचा कितना काम, 12। अब ये 12 काम किसने किया रहा होगा, ए ने किया रहा होगा, तो ये 12 काम करवा देंगे ए से। तो ए एक दिन में काम कितना करता है, 3। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 × 4 कितना आएगा, 12। इसका मतलब ये है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ए ने 4 दिनों के बाद काम छोड़ा।
चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बोल रहा है कि ए और बी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, तो ए करता है कितने दिनों में, 20 दिन में, और बी करता है कितने दिनों में, 30 दिन में। तो यहां से एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो आएगा 60, एफिशिएंसी 20 थी या 60, और 30 दुनी कितना आ गया, 60। ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मतलब कि ए प्लस बी ने काम को शुरू किया और काम शुरू हुआ, और फिर बोला गया क्या है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता, तो बी ने काम को छोड़ दिया, बी ने काम को छोड़ा तो बचा कौन, ए, और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है, मतलब कि काम जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म हुआ, तो कुल कितने दिन लगे हमें यहाँ पर, 16 दिन लगे, ठीक। तो यहां पर हमको एक बात समझ में आई कि बी ने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया, लेकिन ए तो शुरू में भी कर रहा था और बी के जाने के बाद भी कर रहा था, मतलब कि ए पूरे के पूरे काम में था क्या, अगर पूरे काम में था इसका मतलब कि ए ने कितने दिन काम किया, 16 दिन काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो एक दिन में 3 काम, तो 16 दिन में 16 दिया 48 काम कर दिया किसने, ए ने, तो बचा कौन सा काम, 12 काम बचा, जो कि किसको करना था, बी को करना था, बी ने अगर 12 काम किया होता और एक दिन में करता है कितना, 2 काम, तो 12 काम करने में कितने दिन लगते हैं इसको, 6 दिन, इसका मतलब कि बी ने 6 दिन काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया, और इसलिए पूरा काम कितने दिनों में हुआ हमारा, 16 दिनों में हुआ। चलिए तो इसका आंसर तो आप लोग का आ गया रहा होगा पहले ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और ए शेष काम को अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई है, बोल रहा है कि ए कितने दिनों में काम करता है, 20 दिन में, और बी कितने दिनों में काम करता है, 30 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क तो हमारा कितना आ रहा है, 60, एफिशिएंसी देखेंगे तो 20 थी या 60, 30 दुनी कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, तो ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, ए प्लस बी, ठीक, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, तो किसने काम छोड़ दिया, बी ने। अब बी ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, ए बचा, और बोला है कि और ए शेष काम को, अब मतलब ए और बी ने जितना काम कर दिया वो तो कर दिया, अब बचा कौन सा काम, शेष काम, तो ये शेष काम को अगले कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिन में। तो ए यहां पर कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है शेष काम को समाप्त करने में। बोला कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो यहां तक समझो, आगे समझते हैं फिर इस चीज को। ठीक, ए और बी ने काम शुरू किया, बी काम छोड़ देता है, बचा कौन, ए, ए ने काम को कितने दिन में सौंप किया, 10 दिन में। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 दिया, 30 काम किया होगा, तो 60 में से जब 30 काम हो गया तो बचा कितना काम, 30 काम, तो आखिरी के 10 दिन काम किया है किसने, ए ने, तो इसने 30 काम कर लिया, तो बचा है 30 काम, तो ये 30 काम करा किसने होगा, ए और बी ने किया रहा होगा, तो करना है 30 काम, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 और 2 कितना काम करते हैं, 5, तो ये काम कितने दिन में हुआ होगा, 6 दिनों में हुआ होगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा ये कि बताइए बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा था, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा था, 6 दिनों के बाद छोड़ा था। हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है,
इसको समझते हैं, दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड इन 12 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। चलिए क्या बोला गया है कि दो लोग हैं, हम इसको नाम देते हैं ए और एक को नाम देते हैं बी। ए जो है वो कितने घंटे का समय लेता है, 15 घंटे का समय लेता है। बी कितने घंटे का समय लेता है, 20 घंटे का। तो यहां से इनका टोटल वर्क या एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 चौके 60 और 20 दिया कितना आ गया, 60। अब ये मतलब है कि टोटल हमें काम करना है 60 यूनिट, तो ए काम करता है 4 यूनिट और बी काम करता है 3 यूनिट। सवाल हमसे बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, जब ये दोनों साथ काम करते हैं 208 प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए करता है 4 यूनिट काम, बी करता है 3 यूनिट काम। इसका मतलब कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 7 यूनिट काम करेंगे हर घंटे। तो हम बोल सकते हैं कि 7 यूनिट पर आवर काम यहां पर हो जाएगा। लेकिन सवाल हमसे बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं और काम को 12 घंटे में समाप्त कर देते हैं, ठीक, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। मतलब क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं पर आवर, लेकिन सवाल बोल रहा है कि 12 घंटे में बना देते हैं। तो बनाना कितना है, 60 बनाना है, और कितने घंटे में बना देते हैं, 12 घंटे में। मतलब ये हुआ कि ये 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर आवर काम करते हैं। अगर हम हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखें तो 7 यूनिट पर आवर काम हो रहा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो 5 यूनिट पर आवर काम हो रहा है। तो इसका मतलब कि होना कितना चाहिए, 7 यूनिट, लेकिन होता कितना है, 5 यूनिट। इसका मतलब यह है कि हर घंटे 2 यूनिट पर आवर, मतलब कि हर घंटे 2 यूनिट काम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। और सवाल भी ये बोल रहा है कितनी यूनिट, 280 ईंट प्रति घंटा कैसा लगाते हैं, ये कम लगाते हैं। क्यों कम लगाते हैं, क्योंकि ये हर घंटे कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा जो 2 यूनिट आया है, ये 2 यूनिट किसके इक्वल में है, 280 ब्रिक्स, 280 ईंट के बराबर में। कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 4 8, 2 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिट की वैल्यू जो हमारी आई है वो किसके बराबर है, 140 ब्रिक्स के बराबर है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 140 ब्रिक्स पर आर के बराबर है। अब टोटल हमारे पास कितना है, 60। तो अगर एक बराबर 140 है तो 60 बराबर हमारे पास कितना होगा, तो 14 छक्के कितना होता है हमारे पास, 84 होता है। तो यहां से 14 छक्के 84 और एक जीरो यहां, ये जीरो का आपस में गुणा होगा। इसका मतलब ये टोटल कितने ब्रिक्स लगाते हैं यहां पर, 8400 ब्रिक्स ये यूज करते हैं। एक बार ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो एक बार फिर से ध्यान देना, दो आदमी एक दीवार को 15-20 घंटे में बनाते हैं, लेकिन जब वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या हमको ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली, इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आती है। अगर दोनों काम करते हैं तो कितने यूनिट काम होता है, 7 यूनिट पर आवर काम होता है, 4-3 7 यूनिट होता है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि दीवार कितने घंटे में बन जाती है, 12 घंटे में बन जाती है। काम कितना करना था, 60, कितने घंटे में होता है, 12 घंटे में, 60/12, मतलब कि इनकी एफिशिएंसी कितनी, 5 यूनिट पर आवर। काम कितने यूनिट से होना चाहिए था, हर घंटे 7 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। मतलब हर घंटे कितना काम कम हो रहा है, 2 यूनिट काम कम हो रहा है। अगर हर घंटे 2 यूनिट काम कम हो रहा था, सवाल बोल रहा है तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। इसी 2 यूनिट काम कम होने की वजह से ही 280 ईंट प्रति घंटे क्या कम लगाई जा रही थी। 2 बराबर 280, तो 1 बराबर कितना आ गया, 140। आपसे टोटल पूछा है क्या, तो टोटल हमारे पास कितना है, 60 है। 1 बराबर अगर 140 है तो 60 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 8400। कैसे निकलती है वैल्यू, एक में कितना गुणा करेंगे कि 60 है, तो आपने बोला कि कितने गुणा करना पड़ेगा, 60 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 140 में भी कितने गुणा करना पड़ेगा, 60 का। तो यहाँ पर 1010 कितने, 20 हो गए, 14 छक्के कितना होता है, 84। इसका मतलब क्या है हमारे पास, 8400 यूनिट या 8400 ब्रिक्स ये टोटल लगाएंगे। चलिए अब एक और सेम क्वेश्चन है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
दो आदमी है जिनको हम नाम देते ए और बी। तो बोला कि दो आदमी दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। तो यहां से टोटल वर्क निकलेगा इनका कितना, 90। एफिशिएंसी निकलेगी 9 × 10 = 90 और 10 × 9 = 90। तो बोला गया कि अगर दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। हमने देखा कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी साथ में काम करेंगे तो ए करेगा 10 काम, बी करेगा 9 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे। तो आपने बोला कि 19 यूनिट पर आवर ये लोग काम कर लेंगे। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं और काम को कितने समय में समाप्त कर देते हैं, 5 घंटे में। काम है कितना हमारे पास टोटल, 90। इस 90 काम को 5 घंटे में अगर समाप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि हर घंटे कितना काम करते हैं, 5 से काटोगे 90 को कितना आएगा, 18 यूनिट पर आवर। मतलब कि काम 19 होना चाहिए था लेकिन हो कितना रहा है, 18। इसका मतलब कि हर घंटे कितना काम कम हो रहा है, 1 यूनिट पर आवर। हर घंटे कितना काम कम हो रहा है, 1 यूनिट काम कम हो रहा है। और सवाल बोल रहा है कि 10 यूनिट या 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, तो हमारा 1 यूनिट सवाल की 10 ईंट के बराबर है। तो हमें निकालना है कुल ईंटों की संख्या। तो कुल काम कितना हमारे पास, 90। 1 बराबर अगर 10 है तो 90 बराबर, अगर इसमें 1 में 90 का गुणा किया तो 100 में भी 90 का गुणा करेंगे, 2 0 और 9 एकम कितना हो गया, 9। इसका मतलब कुल कितनी ईंटों का प्रयोग होगा यहाँ पर, 900 ईंटों का यहाँ पर प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, दो मोमबत्ती हम मान लेते कि ए और बी। ए कितने घंटे में जलती है, 4 घंटे में, और बी कितने घंटे में जलती है, 6 घंटे में। अब यहां से हम इसकी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। और सवाल में क्या बोला है हमें, सवाल में टोटल वर्क की बात नहीं, सवाल में बोला क्या है कि अगर समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियों, कैसी मोमबत्तियों, समान ऊंचाई की, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 12 आया है ना वो क्या है, इनकी ऊंचाई है, या इनकी हम बोल सकते हैं इनकी क्या है, हाइट। इनकी हाइट कितनी होगी, 12 ही, 12 मान सकते हैं हम इसकी हाइट। तो यहां से हम निकालेंगे तो 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12। अब सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या बोला उसने, यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। उसने बोला कितने समय बाद, तो हम मान लेते हैं कि हमने माना, इसने बोला कितने समय बाद, तो हमने बोल लिया माना x घंटे बाद। कितने घंटे बाद मान लिया हम लोगों ने कि x घंटे बाद ये कंडीशन यहां पर हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम हाइट देखें तो दोनों की हाइट कितनी है, 12। तो अगर 12 इसकी हाइट है तो ये जो समान गति से चल रही थी, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये, अगर हम बात करें कि x घंटे बाद ये कंडीशन होगी, तो अगर इसका 3 आया है तो यहां पर 3 × x कितना होगा, 3x। इसी प्रकार से 12 हाइट दोनों की सेम है और इसका देखेंगे तो 2 × x कितने घंटे बाद हो जाएगा, ये 2x घंटे बाद। तो 12x 12 − 3x कर देंगे बट्टे में 12 − 2x कर देंगे और यहां पर बोला गया कितना अनुपात रहेगा, 2:3, तो ये आ गया आपका 2/3। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो यहाँ पर आप समझोगे, तो 3 × 12 में हो तो 12 × 36 − 3 = 9x, 12 × 24 − 2 = 4x। जब 36 और 24 प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 12x बराबर, सॉरी x नहीं आएगा, 36 − 24 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। और यहां पर −9 जब उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, −4 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो −4 + 9 होगा कितना हमारे पास, 5x। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, 12/5। अगर x की वैल्यू 12/5 आती है तो हमने क्या माना था, कितने घंटे के बाद हो जाएगी कंडीशन, x घंटे बाद हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, उस तरीके को समझ लो, कितना आंसर है हमारा, 12/5 आया क्या,
इस 12/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = 10, एक्स्ट्रा कितना है 2/ कितना गया 5, तो ये 2 सही 2/5 घंटे हमारा आंसर रहेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि इस फॉर्म में हमारा आंसर नहीं दिया क्योंकि मिनट में आंसर निकालना है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको लिखो 2 घंटे और जो 2/5 घंटे है इस 2/5 में गुणा कर दो कितने का 60 का, तो यहां से मिनट्स निकल जाएंगे। आप काटोगे तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो 12 × 2 = कितना आ गया आपके पास 24 मिनट्स। इसका ना 2/5 घंटे को हम लिख सकते हैं 24 मिनट, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 घंटे 24 मिनट, हमारा आंसर सी यहां पर सही हो जाता है। इसको एक बार ध्यान से देखो फिर आगे समझते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती है हमारे पास जो कितने घंटे में जल जाती है 12 घंटे और 20 घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे मतलब कि इनकी हाइट निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 60, ये इनकी हाइट कितनी होगी 60 होगी, तो 12 × 5 = 60 और 20 × 3 कितना होगा हमारे पास 60। अब हमने मान लिया कितने घंटे के बाद ये कंडीशन होगी, तो हमने माना कि ये कंडीशन कितने घंटे बाद होगी, एक्स घंटे बाद होगी। तो यहां से हमने देखा इसकी हाइट है 60, तो -5x कर देंगे बटे में 60, तो -3 × x कितना होगा हमारे पास 3x। इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है हमारे पास 3/5। यहां से सॉल्व करेंगे तो 60 × 5 = 3 × 5 = 3 × 3 × 3 में। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका हमारे पास ये होता है कि 60 × जब हम 5 में करेंगे तो 60 × 5 कितना 300 होगा, 60 × 30 में करेंगे तो 60 × 30 आएगा 180। तो 300 और 180 का डिफरेंस कितना होता है 120। अब डायरेक्ट यहां पर लिख दो 120, 5 × 25 = 3 × 9, 25 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 16, आप डायरेक्ट लिख दो 16x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 120/16। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको हम काट देते हैं 4 से, तो 4 × 16 = 12, 4 × 0 = 0, और काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और कितना आ गया 15। तो 15/2 को हम लिख सकते हैं 15/2 मतलब कितना होता है 7.5, और 7.5 घंटे का मतलब होता है 7 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर हमारा आंसर ए ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट। चलिए तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, इसके आगे की चीजों को कल की क्लास में हम लोग समझेंगे।